नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंशु कुमार के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर RP हलपुरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी सर। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं गिरीश जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं गिरीश जी से और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ गिरीश जी, बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ सर, आपका सवाल आया था। हाँ सर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। उसमें पशुधन के लिए मैंने पूछा था। जी सर, पशुधन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? जैसे यहाँ जिसके पास पैसे हैं 8 लाख या कुछ, तो उस हिसाब से लोग लोन कराते हैं। जी, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए व्यवस्था ये है कि भारत सरकार द्वारा एक कामधेनु योजना चलाई जा रही है। हाँ। जिसमें मिनी डेयरी खोलने के लिए 2.5 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान है और हाँ। बड़ी डेयरी खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान है। अच्छा अच्छा, इसके लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था भी है। इसके अच्छा। लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा अपने जनपद के जिला पशुधन अधिकारी से, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे और आपका जो ऋण के माध्यम से ये पशुपालन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जी ओके सर। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, धर्मवीर जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो धर्मवीर जी, बात कर रहे हैं? हाँ धर्मवीर बोल रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी मैडम बोलो, जानना तो चाह रहे थे उसके बारे में। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैडम मैं ये जानकारी चाह रहा था, ये जैसे राजस्थान की जो रेतीली मिट्टी है या फिर जो बालू मिट्टी होती है उसमें हो सकता है? देखिए, रेगिस्तान में भी ये एलोवेरा की खेती की जाती है और बलुई मिट्टी में एलोवेरा हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोमट मिट्टी में, मटियार दोमट में, दूसरे किस्म की मिट्टी में गूले बनाकर किया जाता है, लेकिन रेगिस्तान में ये रेतीली मिट्टी में डायरेक्ट सोइंग सीधे बुआई हो सकती है। इसकी गूल बनाने की या मैट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी अच्छी प्रजातियां हैं ग्रासी लेसी और मार्को। ग्रासी लेसी और मार्को दो इसकी वैरायटी हैं। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फुट होनी चाहिए। इसके लिए आपको राज्य औषधीय पादप परिषद जयपुर द्वारा सहायता मिल सकती है। आपको वहाँ से बीज भी मिल सकता है और वहाँ से टेक्निकल जानकारी मिल सकती है, आप वहाँ से संपर्क कर लें। जी जानकारी के लिए बहुत जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर, अगर एलोवेरा के बारे में बात करें तो इसकी खेती सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? देखिए, इसकी खेती मध्य प्रदेश में बहुत होती है जी, और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी की जाती है, और इसके अलावा मध्य भारत में और उत्तर भारत में इसकी खेती होती है। राजस्थान, गुजरात, आपके राजस्थान में, गुजरात में भी होती है जी, महाराष्ट्र में भी होती है जी, और इसके लिए कोई विशेष क्लाइमेट की या विशेष भूमि की आवश्यकता नहीं होती, ठंड के मौसम में होता है। ये ठंड के मौसम से तात्पर्य इसका ये है कि 15 डिग्री से 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो तो उसमें बहुत अच्छा होता है। जी सर। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, योगेश पटेल जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो योगेश जी, बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर, आपका सवाल आया था, लहसुन की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। तो मैं लहसुन की खेती करना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, कहाँ से मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये सब पता करना था मेरे को। जी देखिए, लहसुन की खेती के लिए कोई विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती,
इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी पोथियाँ यानी कि जो लहसुन की गांठ है उसमें 10-12 पोथियाँ होती हैं, उन्हें अलग अलग करके एक एक पोथी 3-3 इंच की दूरी पर गाढ़ी जाती है। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 6 इंच होती है और पौधे से पौधे की दूरी मात्र 3 इंच ही पर्याप्त होती है। इसीलिए इसको जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और इसकी जो अच्छी प्रजातियां हैं, एक है एग्रीफाइड वाइट और दूसरी यमुना सफ़ेद। 5 क्विंटल लगभग इसका बीज प्रति हेक्टर में लगता है और इसकी 25 से 30 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टर हो जाती है। इसमें ज़्यादा कीड़े बीमारी भी नहीं लगती, बड़ी निरापद फसल है, बहुत अच्छी फसल है और ये कैश क्रॉप है, इसे आप बोएं और लाभ कमाएं। ट्रेनिंग कहाँ से ले सकता हूँ इसके बारे में? ट्रेनिंग आपका जनपद स्तरीय उद्यान विभाग से आप ले सकते हैं, जो भी जिला उद्यान अधिकारी हैं वो इसकी ट्रेनिंग आपको दे देंगे। कहाँ से? जनपद से? जी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मैं जैविक खाद के बारे में बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, उसके बारे में बात करनी थी, वो किस तरह से यूज किया जाता है? मतलब देखिए, जैविक खाद जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, महावीर सिंह जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो महावीर जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी हाँ सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैं जैविक खाद के बारे में बात कर रहा था डॉक्टर साहब जी, ये जो जीवाणु खाद होता है जी, उसके बारे में बात करनी थी, वो किस तरह से यूज किया जाता है? मतलब देखिए, जैविक खाद जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जीवाणु अलग होता है, जैविक अलग होता है? एक ही चीज है जी, जीवाणु जैविक एक ही बात है। अच्छा, तो सॉलिड फॉर्म में होता है इसका जो है एजिटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर, राइजोबियम कल्चर, ये 200 ग्राम के पैकेट हमारी लेबोरेटरी द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर इसकी लेबोरेटरी होती है और वितरित किए जाते हैं। 200 ग्राम का पैकेट, इसकी पूरी कीमत 20 रुपया है, परंतु ये 10 रुपये में किसान भाइयों को दिया जाता है। प्रत्येक जनपद स्तर पर इसकी प्रयोगशालाएँ हैं और वहाँ आप संपर्क कर लें। और इसके अलावा केंचुए की खाद भी जैविक खाद के अंतर्गत आती है। अच्छा। इसे आप स्वयं बना सकते हैं, केंचुए पाल करके गोबर में डाल दें, आपका जो गोबर बहुत 4-5 गुनी इसकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि केंचुआ जो है गोबर को ही खाता है, गोबर ही निकालता है, परंतु उसमें एमिनो एसिड और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो किसान भाइयों के लिए फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। सर उसमें तो ये है ना, जैसे हमारा फार्म अलग है, बाहर है, तो उसमें तो पशुपालन करना पड़ेगा, उसके लिए गोबर चाहिए फिर डेली जो उसमें डालने के लिए। नहीं तो हमारे यहाँ प्रत्येक जनपद स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको हाँ कल्चर जो होते हैं हमारे, राइजोबियम कल्चर है, पीएसबी कल्चर है, एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन का होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वायुमंडल से आपका नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों को पहुंचाते हैं, कुछ पौधों में नोट्स बनाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली आपको जो खाद मिलती है, तो ये आप जनपद स्तरीय प्रयोगशाला से खरीद सकते हैं। ये जैसे फरीदाबाद में कहाँ नचौली है हमारा? हाँ जी, फरीदाबाद में आपकी प्रयोगशाला होगी और आप वहाँ से संपर्क कर लें और वहाँ से खरीद लें। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। सर आप जैसे कि जनपद स्तर कह रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे मान लीजिए आपका गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है जी, तो गुड़गांव शहर में जो डीएम साहब बैठते हैं जी, कलेक्टर बैठते हैं जी, वहीं सीडीओ बैठते हैं, वहीं कृषि विभाग के ऑफिस होते हैं प्राय जी। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ जी, किसी उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको गुड़गांव के डीएम से मिलना है, तो सबको जानते हैं डीएम को जी, इसे सीडीओ दूसरा अधिकारी होता है डीएम के बाद, नेक्स्ट सीडीओ पे चार्ज रहता है जब डीएम जाते हैं, तो सीडीओ ऑफिस में ही ज्यादातर हमारे दफ्तर कृषि विभाग के जो हैं वो सीडीओ ऑफिस में ही हैं।
जी। तो जनपद स्तरीय पर मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कह लो चाहे स्तर कह लो, वो एक ही बात है, वहाँ पर जो है इसकी सुविधाएं हैं। जी सर। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अंजू जी से, जो कि आसाम की रहने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, अंजू जी बात कर रही हैं? जी हाँ। नमस्कार मैम, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ। जी मैम, आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। जी मैंने तो एक धनिया का खेती का पूछा था और एक जॉब के लिए पूछा था। जी धनिया की खेती से रिलेटेड क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे असम में एक नागा धनिया होता है, तो जी वो अंशुजी में जैसे बारिश का मौसम में होता है जी, तो उसको हम लोग लगाते हैं, तो 2 साल तो अच्छा हुआ और तीसरा साल में उसका जो ऊपर का फुनगी होता है वही गल जा रहा है। जी देखिए, इसके लिए आप बीज बदल दें, प्रमाणित बीज खरीदें और बीज शोधित होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी समय जब हो जाता है तो बीज में फफूंद की बीमारी आ जाती है और फफूंद की बीमारी के कारण जो पौधे डेवलप नहीं होते और उनमें जो आगे चल करके बीमारी लग जाती है। तो आप प्रमाणित बीज बोएं, सर्टिफाइड सीड, और बीज शोधित होना चाहिए। किसी अच्छी संस्था से, प्रमाणिक संस्था से बीज खरीदें, परंतु फिर भी आपको फिलहाल निदान के लिए आप उस पर स्प्रे कर दें 1 ग्राम पावस्टीन और 2 ग्राम डायथेन M45 प्रति लीटर पानी में मिला करके उस पर छिड़काव कर दें तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर आपने जैसे अभी पावस्टीन के बारे में बताया, तो ये दवाई जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये फफूंद नामक रोगों से, जैसे फफूंद जैसे आपका पत्ता है जी, तो पत्ता मुड़ गया गेहूँ का, तो पहले तो मुड़ेगा और मुड़ने के बाद उसमें चकत्ते पड़ेंगे और चकत्ते पड़ने के बाद वो जलना जैसा शुरू हो जाएगा या सड़न आ जाएगी। तो जब सड़न आ जाएगी तो पहले पत्तियां खराब होंगी, फिर स्टेम खराब होगा, फिर पूरा पौधा डेस्ट हो जाएगा। तो फफूंद की बीमारी है जी। सर ये तो किसी भी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, सब फसलों को, मल्टीपर्पज है बावस्टीन और डायथेन M45। ये दो दवाएं इतनी अच्छी हैं, गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज है, और बहुत सी दवाएं जो लोकल चल रही हैं वो अच्छी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी दवाएं हैं दोनों। डायथेन M45 हाँ जी, हाँ जी, मोटी फसल फफूंद बीमारियों के लिए। अच्छा दूसरी बीमारी है कीट पतंगों की, जो कीड़े होते हैं, जो सूक्ष्म कीट होते हैं, जैसे हमारा चेपा है, तो सरसों का चेपा है, तो ये हल्का सा तंबाकू के घोल से, नीम के घोल से, नीम के तेल से, और आपका जो गौमूत्र से ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। अब जैसे मच्छर जो बोलो हल्की पोजन से ख़त्म हो जाता है लेकिन आदमी उसे झेल जाता है, तो हल्के सूक्ष्म कीट जो से ही ख़त्म हो जाते हैं हल्की दवा से ही, लेकिन जो कीड़ा भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसे कमला कीट है, इतनी बड़ी गिंडार होती है, तो वो सिंथेटिक पोजन से मरते हैं। सिंथेटिक पॉइजन का मतलब है जो कीड़े के शरीर पर पड़ेगा तो उसे जला देगा, जैसे आदमी को तेजाब पूरे को जला डालता है, इस तरह से कीड़े मकोड़े को सिंथेटिक पॉइजन जला डालेगा। जैसे साइप्रोमेथासिन है, नुवान है, और आपके विप्रोफिजन है, ये कई तरह के इस तरह के हैं। तो इनके लिए जो है भयंकर कीट के लिए ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन या सिंथेटिक पॉइजन इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, परमिंदर जी से, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, परमिंदर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलो मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैडम बोलिए। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। मैडम मेरे को ये जो मच्छियों एक्वेरियम फिशेस की जो सीड्स होते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? और अच्छी क्वालिटी के रोहू, कटला, मृगल और अपने जापानी कुटी, इसके सीड्स मतलब सिंगल साइज वो कहाँ से मिलेंगे, वो मुझे पूछना था। देखिए रोहू कटला ये जनपद स्तरीय मत्स्य पालन अधिकारी के यहाँ से मिलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं जिला मछली पालन अधिकारी। अच्छा, रोहू कटला का बीज तो वहाँ से मिलेगा क्योंकि ये कॉमर्शियल है। और जो आप एक्वेरियम में बता रहे हैं वो ऑर्नामेंटल फिश होती हैं, केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, तो इसका तो आपको किसी भी एक्वेरियम शोरूम से या शॉप से बीज मिल जाएगा। छोटी मछली 5-10 रुपए की होती हैं, और जैसे जैसे मछली की उम्र बढ़ती जाती है वो महंगी होती जाती हैं। जैसे कि 1 साल की मछली कम से कम आपको 200 रुपए की मिलेगी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आपको 5-10 रुपए के ही मिल जाते हैं। अच्छे एक्वेरियम शोरूम से या शॉप से ले लीजिए।
हाँ जी हाँ जी, तेलेपिया के बारे में ये पूछना है कि उसका फिंगर साइज जो है वो फिश कहाँ से मिलेगी मुझे, और उसके लिए सबसे बेटर फीड कौन सा रहेगा जिससे जल्दी ग्रोथ हो सके उसकी? देखिए, उसके लिए आप जिला मत्स्य पालन अधिकारी से संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी सब मिल जाए। तो मैडम सर, फिर बॉम्बे में हम लोगों को कहाँ से मालूम पड़ेगा ये? सर, बॉम्बे में हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं एक फिशरी के लिए डिपार्टमेंट में, तो उनसे आप पता लगा सकते हैं। जी, मिल जाएगा जी। और सर, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी एक्वेरियम के लिए अगर आप चाहिए आपको, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैडम एक और सवाल था हाइड्रोपोनिक के बारे में। सर, हाइड्रोपोनिक के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, हाइड्रोपोनिक जो इक्विपमेंट आपने बताया है, उसके लिए खर्चा कितना है और कितने स्क्वायर फीट जगह में हम लोग कर सकते हैं? ओपन फार्मिंग कर सकते हैं ये, उसके लिए जैसे पॉलीवेल बनाए जाते हैं वैसे करना पड़ेगा हमको? सर, ये हाइड्रोपोनिक के बारे में जानना। देखिए, इसके लिए तो आपको पॉलीवेल बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर होते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, और इस पर कुछ सब्सिडी का प्रावधान है तो वो भी आपको मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। सर, ये जानना चाहते हैं, मशरूम कल्टीवेशन ये करना चाहते हैं, तो मशरूम के बारे में ये पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं, सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से ला सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, मशरूम के बारे में ये है कि मशरूम को कंपोस्ट खाद में उगाया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाल ही में हमारे पास ईमेल के जरिए एक सवाल आया है महेश जी का, उत्तर प्रदेश के बलिया से। सर, ये जानना चाहते हैं, मशरूम कल्टीवेशन ये करना चाहते हैं, तो मशरूम के बारे में ये पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं, सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से ला सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, मशरूम के बारे में ये है कि मशरूम को कंपोस्ट खाद में उगाया जाता है। इसकी खेती जमीन में, मिट्टी में नहीं की जाती। इसकी खेती कमरों में या टीन शेड में या ग्रीन हाउस में इस तरह से की जाती है, और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक महीने का इसमें समय लगता है। इसके लिए 300 किलोग्राम भूसा, 30 किलोग्राम जिप्सम, 10 किलोग्राम सीरा, 5 किलोग्राम DAP, 5 किलोग्राम यूरिया, और इसमें आधा किलोग्राम BHC पाउडर इन्फेक्शन रोकने के लिए, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। पानी इस पर छिड़काव किया जाता है, भूसा को भली भांत गीला किया जाता है, उसको कई बार पलटाई की जाती है। प्रथम दिन इस मिक्सचर को बनाने के बाद उससे बोरी या टाटों से ढक दिया जाता है। फिर 6 दिन बाद उसकी पलटाई होती है, भली भांति दोबारा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह से उसकी पलटाई की जाती है। और पलटाई करने के बाद 6 दिन के बाद फिर उसे ढक दिया जाता है, फिर 3 दिन बाद उसकी फिर पलटाई की जाती है। इस प्रकार हमारी जो है 3-3 दिन बाद 8 पलटाई होती हैं, 8 या 24 दिन प्लस 6 दिन, आपके 30 दिन में ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। श्वेत बटन इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है मशरूम की, वो आपको राज्य औषधीय परिषद केंद्र से, लखनऊ से मिलेगी, वहाँ से ले लीजिए और इसमें बो दीजिए। ये श्वेत बटन की बीज की कीमत लगभग 600 रुपये से 1000 रुपया किलो तक है, और पंतनगर विश्वविद्यालय मशरूम की ट्रेनिंग के लिए निशुल्क व्यवस्था है वहाँ। किसान को आने जाने का किराया, जहाँ से भी वो जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे किसान भाई बलिया से जा रहे हैं, तो बलिया से पंतनगर तक का उनका किराया मिलेगा दोनों ओर का, प्लस वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, उन्हें खाना मिलेगा और उन्हें कुछ मानदेय भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा, सभी सरकारों द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और मशरूम का बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर पंतनगर विश्वविद्यालय है। तो जो अभी इस समय पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है, वहाँ किसान भाई ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, और सर, इसके जो सीड्स है वो कहाँ से लाया जा सकता है? सीड्स पंतनगर यूनिवर्सिटी से ले लें। उसके अलावा पंतनगर यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ कहाँ? तो लखनऊ राज्य औषधीय परिषद से लिया सकता है, इसके अलावा जो है जिला लेवल पर कहीं कहीं इसके उद्यान विभाग द्वारा बीज की व्यवस्था की जाती है। जी, और सर, बीजों का, जैसे हर फसल में बीजों को बोने से पहले शोधन करना होता है। देखिए, यह तो बीज शोधित लें, आप बाहर से लेंगे, प्रमाणित बीज लेंगे तो शोधित ही मिलेगा, परंतु फिर भी यदि बीज शोधित नहीं है तो 2 ग्राम थीरम या आपका 2 ग्राम थीरम लें या कार्बन डाजिम, 1 किलो बीज के शोधन के लिए
दो ग्राम ही पर्याप्त है। वैसे इसमें कार्बनडाजिम सबसे बेस्ट है, लेकिन कार्बनडाजिम ना मिले तो थीरम से इसका ट्रीटमेंट किया सकता है जी। और बीज में उसे भली बात चिपका दें, पानी में गीला करें और चिपका दें और बुआई कर दें जी। और सर कितनी देर में ये तैयार हो जाएगा बीज? हाँ, मशरूम कितने दिन में तैयार हो जाता है? मशरूम देखिए एक महीने में तो कंपोस्ट खाद तैयार होगी जी। फिर आप बीज उसमें गमलों में या जैसे सीधे सीधे बो देंगे तो 8-10 दिन बाद आपके किल्ले उसमें निकलने शुरू हो जाएंगे जी। और 8-10 दिन बाद से एक महीना बाद फिर और मान लीजिए करीब 1.25 महीने बाद आपकी जो तैयार हो जाएगी मार्केट में जाने के लिए लायक हो जाएगी। 1.25 महीना ये है और 1 महीना कंपोस्ट के लिए है तो आपका 2.25 महीना लगभग हो गया जी। यानी अक्टूबर नवंबर की बोई हुई फसल आपकी दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी और 2-3 महीने आपकी फसल देगी। और सर मशरूम के लिए जो है वो मौसम पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंद कमरे में होता है, हॉल में होता है? नहीं, मौसम की जरूरत है, उसके लिए एक निश्चित तापमान होता है। देखिए उसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। लेकिन सर हॉल में करते हैं तो वो तापमान जो है वो मैनेज कर सकते हैं टेम्परेचर? हाँ जी जी, वैसे नेचुरली होता है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आपकी फसल अच्छी चल रही है, फरवरी का महीना आ गया, गर्मी बढ़ गई जी। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें हवादार पंखे या कूलर की व्यवस्था कर देते हैं ताकि उसमें थोड़ी ठंडक बनी रहे। गर्मी होने से वो जो बटन होते हैं कुंभला जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं जी। सर तो महेश जी आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी हमारे सभी कॉलर्स को, आप यहाँ आए और अपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी पूछना चाहते हैं खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।